प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के लिए बड़े सतर्क से नजर आ रहे हैं दोस्तों। कर्नाटक चुनाव में पार्टी को मिले झटके के बाद ना सिर्फ मुसलमानों को मनाने की कोशिश की जा रही है बल्कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करने वाले मंत्रियों से उनका मंत्रालय तक छीन लिया जा रहा है। क्या ये सच है? सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है। ज्यूडिशरी से किसी तरीके का कोई मतभेद ना हो इसके लिए तो कानून मंत्री किरण रिजिजू को दूसरा मंत्रालय पकड़ा दिया जाता है। एक दिन में मोदी कैबिनेट में दो फेरबदल होते हैं और दूसरा फेरबदल क्या हुआ है ये आप जानकर दंग रह जाएंगे। किरण रिजिजू के बाद अब किस मंत्री से उनका मंत्रालय छीन लिया गया है या उनके मंत्रालय से उनकी छुट्टी कर दी गई है ये इस खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। देश के पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिनसे आज ही कानून मंत्रालय छीना गया दोस्तों, उनके हटने के बाद अब एक और मंत्री की खबर सामने आई है कि एसपी सिंह बघेल के मंत्रालय से भी उनकी छुट्टी कर दी गई है। एसपी सिंह बघेल कानून मंत्रालय में ही थे, राज्य मंत्री थे कानून मंत्रालय के, जिनसे उनका मंत्रालय छीनकर उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं उनके सीनियर मंत्री किरण रिजिजू को अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री सौंपी गई है, यानी वो समझ सकते हैं आप पृथ्वी एंड विज्ञान जो मंत्रालय होगा वो संभालेंगे किरण रिजिजू साहब। एसपी सिंह बघेल की बात की जाए दोस्तों तो थोड़े समय पहले वो अपने एक बयान को लेकर चर्चा का विषय बने थे, एक बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी थी। एसपी सिंह ने जो विवादित बयान दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था ये आपको बता देते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आज तक की खबर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है, ये बघेल साहब ने कहा था। ये कहते हैं मुझे लगता है कि इनकी संख्या हजारों में भी नहीं है। ये लोग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति बनने के लिए सहिष्णु होने का मुखौटा पहन लेते हैं लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तब ये असली बात करते हैं। जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो इनके बयानों से इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम मंत्रियों को लेकर ये बयानबाजी की थी दोस्तों कि असली में उनका चेहरा वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। अब इस बयान के बाद वो ज़्यादा चर्चा में आए थे। उनके बयान को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं उन्होंने इसी महीने कर्नाटक चुनाव के दौरान ये बयान दिया था और इस बयान पर तहलका मच गया था। खबर ये आ रही है अब कि उन्हें कोई और मंत्रालय दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की खबर आ रही कि उसमें राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब ये कोई संयोग है या कुछ और है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन में दो बड़े फैसले ये किस ओर संकेत करते हैं? कोई मैसेज देना चाह रहे मोदी जी? मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं दोस्तों। इसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की सलाह के बाद राष्ट्रपति की ओर से मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले आपकी जानकारी में बेशक ये बात होगी कि किरण रिजिजू से भी कानून मंत्रालय छीना गया, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि उन्होंने ज्यूडिशरी पर बहुत हमले किए और ये भी शायद किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। आपको तो हमने समय समय पर खबर दिखाई है कि कानून मंत्री, जो कि अब कानून मंत्री नहीं है, किरण रिजिजू साहब ने किस तरीके से रिटायर्ड जजों पर हमला बोला, किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर हमला बोला, किस तरह से उन्होंने बार बार वर्तमान जजों को लेकर भी टीका टिप्पणी की। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि शायद ये कारण हो सकता है कि उनका जो मंत्रालय है उनसे वो छीन लिया गया हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विवादों के बीच घिर गए थे। सोचिए 2024 का चुनाव आने वाला है, अब जुडिशरी से पंगा तो सरकार ले नहीं सकती है, तो क्या इस वजह से किरण रिजिजू को हटाया गया है? ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है दोस्तों। दूसरी बड़ी वजह मानी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि अभी एक ही मंत्री के साथ सरकार, केंद्र सरकार के तहत कोई मतभेद हुआ है जुडिशरी में और केंद्र सरकार में, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है दोस्तों। जब रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री थे तब भी ऐसा कुछ देखने को मिला था, 2018 की बात हम बता रहे हैं। अमर उजाला ने इसको लेकर खबर छापी कि 2018 में भी ऐसा प्रकरण देखने को मिला था। लेकिन ये जो मतभेद की लड़ाई है या ये जो मतभेद से जुड़ी टीका टिप्पणियाँ हैं ये कभी इस तरीके से
सुर्खियों में आई नहीं जितनी इस वक्त आई, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा किरकिरी अगर हुई है तो वो मोदी सरकार की हुई है दोस्तों इसी दौरान। तो समझ सकते हैं कि अपनी किरकिरी बचाने के लिए, अपनी फजीहत ना हो, इस वजह से शायद ये फैसला लिया गया हो कि किरण रिजिजू जी से उनका मंत्रालय छीन लिया गया। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि शायद वजह हो सकती है कि अरुणाचल प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। तो किरण रिजिजू जिससे उनका मंत्रालय जो कानून मंत्री अब वो नहीं है, कानून मंत्रालय जो उनसे छीना गया है, वो मंत्रालय अब अर्जुन राम मेघवाल साहब को सौंपा गया है, जो कि अभी इस वक्त देश के संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और अभी भी उनके पास ये जिम्मेदारी है। तो ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी सौंपना, यहाँ पर दो बड़े फैसले जो है, दो बड़े संकेत देना चाह रही है बीजेपी यहाँ। इस बात को समझिए दोस्तों, पहला संकेत ये है साफ सीधे तौर पर कि अर्जुन राम मेघवाल ये जो नेता हैं, ये राजस्थान से आते हैं, सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी सौंपना, राजस्थान चुनाव में बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, ऐसे में किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से मुक्त करना, ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में उनका ध्यान केंद्रित करने को लेकर भी हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, संभावना जताई जा रही है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा ही होगा, शायद इसी वजह से कानून मंत्री जी से उनका मंत्रालय छीन लिया गया हो। लेकिन ज्यादातर अगर कोई वजह सबसे ज्यादा बता रहा है दोस्तों, तो वो सुप्रीम कोर्ट पर तरह तरह की टीका टिप्पणियां हैं जो कि किरण रिजिजू ने की, और उससे जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। वो खुद कई बार बयान दे चुके हैं कि बेशक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मतभेद को किसी भी तरीके से तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा भी किरण रिजिजू ने कई दफा कहा था। अब खबर यह आ रही है कि किरण रिजिजू ने जैसे ही कानून मंत्रालय उनसे छीना गया है, वैसे ही उन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया कहा है, बल्कि उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी शुक्रिया कहा है, और कहा है कि उनके रहते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने या सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के लिए जो भी कानून भरे फैसले सुनाए उसके लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि ये किस ओर इशारा करता है दोस्तों, ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है ये आगे और बढ़ने वाला है। मैंने जैसा आपको बताया, 9 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार को, और 9 साल पूरे होने के बाद इस आप समझ सकते हो, उससे पहले जहां बीजेपी ने थोड़े समय पहले ही एक मीटिंग की है, और 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी 16 लाख कार्यकर्ताओं की मदद लेने वाली है, उस समय में इस तरीके के दो फैसले लेना, वो भी प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, इससे आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में, आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।